के लिए, इस देश को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने लड़ी लड़ी थी। आज इस हिंदुस्तान में राजपूतों की आन बान बचाने के लिए, राजपूत समाज को जाजम पे लाने के लिए सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ शब्द नहीं है मेरे पास उनके बोलने के लिए जो सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब को गिराने के लिए तुले हुए। ऐसे हैं जो सरकार के हो या उनको अपनी कुर्सी से प्यार हो, जिनको समाज नहीं चाहिए उनको अपनी कुर्सी से प्यार है, ऐसे लोग जो महाराणा प्रताप के टाइम में जो थे, जैसे उनके भाई शक्ति सिंह थे, ऐसे लोग आज की तरह में ऐसे भी पैदा हुए हैं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का सुप्रीमो सम्मान है सुखदेव सिंह दादा गोगामेडी, जो फारूक अब्दुल्ला ने चैलेंज किया था कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लाल किले पे हम लोग कभी भी आज तक तिरंगा नहीं लहराया है और इसके आगे भी नहीं लहराएंगे। तो वो चैलेंज सम्मानित सुखदेव सिंह दादा गोगामेडी ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के माध्यम से स्वीकारा और उसके लिए 10 तारीख से दादा जयपुर से निकले हुए और 15 अगस्त को हम लोग सारे यहाँ के भी नागपुर के भी हमारे मेरे साथ कई बांधव है वो सब वहाँ आने वाले हैं और उसको यहाँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का सब कार्य जो काम है वो हर आदमी तक पहुँचे, इसके लिए यह हम लोगों ने सारे लोगों को पदाधिकारी बनाने के लिए ये मीटिंग यहाँ रखी हुई है। ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का उद्देश्य एक ही है कि हमारा समाज, हमारा राजपूत समाज एक साथ एक मंच पर आवे, जो आज तक कभी भी ये हुआ नहीं वो काम सम्मान्य श्री सुखदेव सिंह दादा गोगामेडी ने करके दिखाया। दूसरी बात, यह महाराष्ट्र में आरक्षण का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो आरक्षण का मुद्दा आज तक कोई संगठन ने पूरा नहीं किया है। हमारे राष्ट्रपति जी प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति थी तभी भी उनके साथ कोई संगठन के लाखों लोग उनके साथ नहीं गए। आज भी हमारे मिनिस्टर सम्मान्य जय कुमार जी रावल है, हमारे आमदार किशोरप्पा पाटिल है, दिलीप सिंह सानंदा थे, सुजीत सिंह ठाकुर है, ये आरोप आता है। इन लोगों ने बहुत प्रयास के बावजूद भी ये आरक्षण का मुद्दा आज तक सुलझा नहीं है। इन्होंने कई बार उनमें से जो जाचक आटी है उसको कम करने का काम किया है, मगर आज जो आरक्षण का असली मुद्दा है, जो हम राजपूतों को भटके विमुक्त जाति जमाति में समावेश किया हुआ है, उसको पैसे दिए बगैर या हमारे दलालों को पैसे दिए बगैर यह सर्टिफिकेट मिलता नहीं। ये चीज़ जब हमने सरकार के सामने रखी तो महसूल मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल इन्होंने खून के रिश्तेदारों को ये सर्टिफिकेट देना चाहिए ये बात जब हमको बताई गई, तो उस माध्यम से हमने कन्नड़ में 1500 लोगों को फ्री ऑफ चार्ज एक रुपये लेते हुए 1500 लोगों को सर्टिफिकेट दिया। वही काम पूरे महाराष्ट्र में करने के लिए यह वही जो विचार है, कैसा जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बताने के लिए हमने आज की मीटिंग रखी। आपका पूरा नाम? मेरा नाम आनंद सिंह पांडुरंग ठोके है, मैं राष्ट्रीय महासचिव बनकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना काम करता हूँ। सर, जैसा आप मुंबई से यहाँ पे नागपुर पे आए हुए, संबोधित करते हुए भी आपने इस बीच में कहा कि नागपुर पे जिस तरीके से धार्मिक स्थल और इवन मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है उस पर करनी राजपूत सेना का क्या विरोध रहेगा? तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ती आई है, जिस तरह मामला पद्मावती का हो या और कोई भी हिंदुत्व के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। और यहाँ पर जिस तरह प्रशासन द्वारा हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लगभग 2000 मंदिर, तो ऐसे हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचती है और हिंदुओं का धार्मिक स्थल है मंदिर, और उसको अगर प्रशासन तोड़े तो श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसके लिए जो भी करनी सेना को कदम उठाना पड़े या उग्र आंदोलन हो, जो भी करना पड़े वो करनी सेना करने के लिए तैयार। आने वाले समय पर अभी चुनाव है राजस्थान में, उसके अलावा महाराष्ट्र में क्या करनी राजपूत सेना द्वारा कोई इलेक्शन में कोई उतारेगी? 100% श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आने वाले इलेक्शनों में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना बनके मैदान में उतरेगी। इसी नाम से। आपका पूरा नाम? मेरा नाम जीवन सिंह सोलंकी है, शहरी प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र। महिलाओं के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? संगठन, समाज संगठन, महिलाओं ने राजकारण में आना चाहिए। आदमी से अच्छा लेडीज़ राजकारण कर सकती है, समाजकारण सकती है, घर संभाल सकती है। और आज आप देख रहे लेडीज़ कोई क्षेत्र में पीछे नहीं है, आदमी से ज़्यादा लेडीज़ काम कर रही है और अच्छी तरह कर रही है। लेडीज़ हर क्षेत्र में आने से भ्रष्टाचार, जो गलत काम हो रहे वो कम प्रमाण में हो सकते। और रहा पद्मावती का विषय, तो पद्मावती के विषय में हमारे लेडीज़ों ने कुछ कम कारनामे नहीं किए। आपने देखा राजस्थान में लेडीज़ रास्ते पे उतरी, महाराष्ट्र में उतरी, हमने जितना भी हुआ हमने हमारे आदमियों से कंधे से कंधा मिला के हमने हमारा
जो भी पद्मावती की इसमें ये था, हमने सक्रिय सहभाग निभाया, इसके आगे भी निभाएंगे। ऐसा मंदिर तोड़ने का विषय था, इसमें भी हम, इन्होंने हमारा नहीं माना सरकार ने, इसमें भी हम सब महिला सक्रिय तरह से उतर के हमारा जो रुद्र रूप है वो भी दिखाएंगे और सौम्य रूप वो भी दिखाएंगे। पद्मावती के अलावा जैसा अभी दूसरी तरफ बात की गई कि महाराष्ट्र में अभी झांसी रानी को लेके एक मूवी बनाई जा रही फिल्म, उस पर क्या विरोध प्रदर्शन है? अभी पद्मावती में उन्होंने सिर्फ क्या बोलते उसको पिक्चर का पहला है वो देखा है, झलक देखी है, अभी पिक्चर तो पूरी बाकी है। आपका नाम दीजिए। सोनाली मोहसिन ठाकुर, इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष, महिला प्रदेश अध्यक्ष। आपने जो मणिकर्णिका फिल्म के बारे में पूछा, तो मेरे सारे दोस्त को मैं कहना चाहता हूँ कि फिल्म को विरोध करना ये हमारा मकसद नहीं, मगर फिल्मों में राजपूत समाज को या हिंदू समाज को ही बदनाम करने का काम ये फिल्मी भांड करते हैं। और पद्मावत के माध्यम से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना क्या विरोध कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, ये सब दुनिया ने देखा है, वही काम मन करने के बारे में भी होगा।